देखिए, संघर्ष का समय है, सरकार गंभीर नहीं है कि संसद चले और जो विषय विपक्ष ने उठाए हैं उस पर चर्चा हो। आज अगर गतिरोध चल रहा है संसद के अंदर, उसकी पूरी जवाब जिम्मेवारी सरकार की है। क्या कारण है जो पूरी दुनिया में जिस विषय की चर्चा है उस पर भारत के अंदर ना जांच हो ना चर्चा हो। विपक्ष, समूचा विपक्ष एक है, और आज जो नाश्ते पर सब विपक्षी सांसद और नेता मिले हैं, राहुल जी, गांधी जी ने निमंत्रण दिया था, ये इस बात का प्रतीक है कि विपक्ष एकजुट भी है और दृढ़ निश्चय रखता है इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए और नागरिकों के अधिकारों के। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने स्वाभाविक तौर पे सिर्फ एक ही मसले पे बात नहीं की होगी, दूसरे तीसरे मसले पे भी बात की। सब विषय हैं, हमने सब विषय नहीं, सिर्फ इसी पे चर्चा हुई, बाकी सब नेता, दलों के नेता बोले हैं, सबने एक ही बात रखी है कि विपक्ष एक रहेगा, चाहे अलग अलग राज्यों में है, चाहे राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है। समय आ गया है, जो वर्तमान सरकार का विरोध करते हैं वो एक आवाज में देश के हित की बात करें और जनता के हित के जो विषय हैं उसको सामने लाएं। क्या आप लोग के लिए राहत की बात है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पेगासस के मसले पर जांच की मांग कर रहे हैं, विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं, एनडीए के लाइट है, क्या आप लोग के लिए राहत की बात है? इसमें राहत का सवाल नहीं है, मांग सच्ची है, इसमें देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का विषय है, इसलिए इस पे चर्चा होनी चाहिए। जब संसद का सत्र चल रहा है, इतना बड़ा विषय उठा है, सरकार को जवाब देना चाहिए। क्यों सरकार इससे भाग रही है? सरकार आए और संसद को बताए, संसद के माध्यम से देश को बताए। अगर सरकार को कुछ छुपाना नहीं है तो फिर ये गतिरोध क्यों बनाए हुए हैं? बिल्कुल, ये तानाशाह सरकार के विरुद्ध आवाज उठ चुकी है सारे देश में, सारा देश बाहर आ चुका है और सारी पार्टियां ऑपोजिशन एक मंच पे हैं। अब मोदी को उतार कर दम लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि आप नौटंकी कर रहे हैं। वो नौटंकी का जवाब तो देश देख रहा है ना, नौटंकी कौन कर रहा है? जो 14 लाख हर आदमी के अकाउंट में आएगा नौटंकी नहीं है, बेरोजगारी की लिस्ट गायब होगी नौटंकी नहीं है, लाखों लोग कोरोना में मर गए इधर बोल रहे हैं हाउस में, अगर हमें पता नहीं है ये नौटंकी नहीं है। देश की हर जगह ये नौटंकीबाज सरकार है और सबसे बड़ा नौटंकीबाज इनका प्रधानमंत्री है। मैसेज है ये, महंगाई के खिलाफ जनाक्रोश जो है जनता का, उसको हम लोग साइकिल सवारी करके ये बताने का काम कर रहे हैं देश को और जनता को, ये बताने का काम कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट है इस मुद्दे पर और आपकी आवाज को हम लोग बुलंद कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी पेगासस के मसले पर नहीं, स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार जी सेल्फ रेस्पेक्टिंग आदमी है और देर से ही सही, लेकिन उनको समझ में आ गया कि किस तरह से देश की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। आप बताइए, पेगासस जो कंपनी है इजराइल की, वहाँ की अभी तत्कालीन सरकार ने जांच का आदेश दिया है और यहाँ डिबेट करने से सरकार भागती हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण जमहूरियत में, जनतंत्र में कुछ हो नहीं सकता है। धन्यवाद। देखिए, चर्चा विशद हुई, चर्चा है कि प्रियम्बल को, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इस देश में न्याय, फ्रीडम, कोई भी चीज महफूज नहीं है। महंगाई की हालत देख लीजिए, कृषि कानूनों के माध्यम से जासूसी, बेरोजगारी, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा हुई और चर्चा के माध्यम से ये तय हुआ कि संघर्ष का विकल्प है सदन के अंदर और सड़क पर। तो साइकिल से आप लोग आए हैं, साइकिल से संदेश देना, क्या हालत हुई है पेट्रोल डीजल की कीमतों से, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के यहाँ तक हम सब साइकिल से आए। और अगर इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे ना, तो जनता को और भी तरीके आते हैं। एक सवाल आपके सवाल कि नीतीश कुमार विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं पेगासस के मसले पर, जांच की मांग कर रहे हैं, क्या मैसेज है? देखिए, मैं सीधा मानता हूँ कि किसी में भी थोड़ी समझ होगी ना, ये जो एक्सटेंट और पूरा स्नूपिंग का है, इसको हैकिंग कहिए, स्नूपिंग कहिए, उसमें तो बीजेपी के लोगों को भी खुल के बोलना चाहिए, हर भाई को त्याग करके। नीतीश कुमार के बदले में सुर पर मैं सीधी बात मानता हूँ कि वो इस सुर के साथ बने रहे इसकी कामना करते हैं। देख, वो नौटंकी है, ये देखिए, जब हम सारे पार्टी 60% पीपल आर विद अस इन दिस कंट्री, जब 60% लोग और उनके प्रतिनिधि मिल के एक निर्णय लेते हैं और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा चाहते हैं पेगासस इशू पे, जो आप जासूसी कर रहे हैं, प्रेस वालों की जासूसी कर रहे हैं, जो आर्मी की चीफ की जासूसी अपोजिशन लीडरों की कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं।
ये नौटंकी है। अरे जो चीज आप डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए, लोगों के प्राइवेसी को खत्म करने के लिए आप हमको ऐसा नौटंकी कह के जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, गलत है। पहले तो देखो कि चर्चा करने के लिए पहले शुरू करो, उसमें आपका सब कुछ बाहर निकलेगा। ऑपोजिशन पार्टी के नेता होंगे राहुल गांधी, एक मिनट, ऑपोजिशन पार्टी के नेता होंगे राहुल गांधी 2024। इट वाज अ हिस्टोरिक इवेंट टुडे व्हिच हैड हैपेंड दैट द एंटायर ऑपोजिशन पार्टीज इन पार्लियामेंट बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा यूनाइटेड टू हैव ए फाइट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी लेफ्ट गवर्नमेंट। द मेन रीजन इज द पेगासस इश्यू हैज टू बी डिस्कस्ड इन द हाउस। The basic root of democracy is being under threat because of the snooping by the Israel spyware. So definitely this matter has to be discussed, but unfortunately the government is running away from the discussion. Number one, regarding the price rise, regarding the petrol, diesel, our cooking gas price rise, as well as this COVID-19 issue, farmers issue, all these issues have to be discussed. But this is the first time in the history of Indian Parliament when the house is in stalemate, when there is pandemonium in the house. So far all the governments, the successive governments, have made a dialogue with the opposition to resolve the stalemate. But here in this case, so far the government has not taken any initiative in resolving this stalemate because they don't want to have the session on. They want to wash away the session because they are not answerable to the question posed by the opposition, especially in the case of Pegasus. That is why the entire opposition parties today unanimously decided to have a cycle protest today, and it is a historic event in the parliamentary democracy of India. और साथ में ब्रेकफास्ट मीटिंग भी की है, इसके मायने क्या निकाले जाए? इसके मायने एक ही है, भाजपा का मोदी शाह सरकार विपक्ष की उपेक्षा कर रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा का मसला हो। चर्चा करा ले, पेगासस के मामले में गृह मंत्री जी सदन में आके चर्चा करा ले, सदन चालू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की इस ब्रेकफास्ट मीटिंग और साइकिल यात्रा को बीजेपी नौटंकी बता रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से आए थे तब क्या था? ये जनता के हित में लड़ाई का शुभारंभ है। The issues are the people's issues. The issues are the issues before the parliament. So being political activists, we discuss all those issues. Issues that is questioning the existence of democracy, questions that affect the lives of the farmers, the workers, the bank employees, the insurance employees, and the working class as a whole. So all those issues are discussed. एंड विजय गोखले एक्स फॉरेन सेक्रेटरी इन हिज बुक सेड चाइना ट्राइज टू यूज लेफ्ट टू स्कटल द न्यूक्लियर डील इन 2007 एंड 8। सच इरेस्पॉन्सिबल एंड नॉनसेंस कमेंट्स नीड नो रिप्लाई। द लेफ्ट ऑफ ए पॉलिटिकल कंटिजेंट ऑफ द इंडियन रियलिटी इज मोर पेट्रियोटिक, मोर इंडियन than any bureaucrats, than any right-wing politicians.